भारत ते कैनेडा ते होर कई मुल्कां दे विच चल रहा एक लोकप्रिय चैनल उहदे पत्रकार ने जिहड़ा बड़ा चर्चित पत्रकार है और लोग उसनूं पसंद भी करदे ने, उन्होंने एक विवादग्रस्त टिप्पणी की है जिस नूं लैके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े मोहतबर मैंबर ने उन्होंने पुलिस जाके शिकायत की है कि यह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपर गलत आरोप है। और वह आरोप उस बंदे ने की लाया, उन्हें कहा जिहड़ा चंदोआ ताणिया जाता है श्री गुरु ग्रंथ साहब के उपर सैंक्टम सेंक्टोरम के यानी श्री हरिमंदर साहब विखे, वह कीमत जी हों बहुत ज़्यादा होंगी है, 5 लाख का भी हो सकता, 10 लाख का भी हो सकता है। और एक वह भी चंदोआ सीगा जिहदी कीमत मतलब बहुत ही ज़्यादा सी, भारतीय मतलब रुपये के हिसाब नाल महाराजा रणजीत सिंह ने जिहड़ा दिता सी और वह नुकसानिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार वेले। तो कहिंदे वह चंदोआ जिहड़ा वह जदों ताणिया जाता है फिर उस तो बाद उतार दिता जाता है, फिर नवा वह जिहड़ा पुराना हुंदा है उहनूं दुकान ते वापस किया जाता है और दुकान वाला उहदे च माड़ी मोटी जिहड़ी है बदलाव करके उस दे उपर नवीं तारां ला के या नवें मतलब उस नूं डिजाइन दी शेप दे के तां उह दुबारा फिर इत्थे भेज दिता जाता जां लोकां नूं वेच दिता जाता है, उहदी कीमत वधा दित्ती जाती है। जे उह मतलब लख दा वापस किया जाता तां फिर 5 लख दा लोक खरीद के फिर उत्थे मतलब ताण दिंदे ने। तो यह बहुत वड्डी उहनां ने कहा घपलेबाजी है, भ्रिष्टाचार है। इस नूं किंतु किया श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, उन्हें कहा कि इस तरह की कोई गल नहीं होंगी, जिहड़ा चंदोआ एक बार उतर जाता है उन्हूं असी फिर होर गुरद्वारों के जिहड़े इतिहासक गुरद्वारे ने उत्थे भेज दिंदे आ, कोई दुकान पर वापस नहीं जाता और कोई भी ऐसा मतलब वरत्या होया चंदोआ श्री गुरु ग्रंथ साहब के उपर हरिमंदर साहब से ताणिया नहीं जाता। तो यह गल है, हुण FIR लॉज होएगी उन्होंने खिलाफ पत्रकार के उपर, उहदे मालिक उपर ते होर जिहड़े उहदे नाल तालुक रखदे अधिकारी ने उहनां दे उपर। तो गल इह है कि पत्रकार तां बड़ा रिस्की मामला हुंदा, इहदे च जदों कोई पत्रकार किसे धर्म दे खिलाफ कोई टिप्पणी करदा है और उह वी बिना स्रोत तों या बिना दस्तावेजी सबूत तों, तां उस वेले हुंदा कि उह अपने वकार नूं तां दांव लाते लाउंदा ही लाउंदा, पर जिहदे नाल वास्ते उह कम कर रिहा हुंदा उहदे वी मतलब कह लो कि हालात जिहड़े ने उह माड़े कर दिंदा। जदों असीं इह समझदे हां कि साडे तों वध सियाणा कोई नहीं और साढ़े तो वड्डा पत्रकार कोई नहीं, जबकि बहुत सारे लोगों ने इस पत्रकार के संबंध में कुछ ऐसा तस्वीर भी मतलब छाया की जिद KPS गिल के नाल बैठा है और एक भी समा सी कहिंदे संताप के दिनों ये बंदा एक तरह नाल पुलिस के टाउट वर्गी भूमिका भी निभा रहा और इसनों सरकारी सुरक्षा भी मिलती सी, जीप मिलती सी, पुलिस वाले ये अंग रक्षक भी इस मिलते सन। सो इस तरह दल्ला भी वो सामने आई, बहुत सारे लोगों ने बाहरों वो संबंध में कई तरह टिप्पणियां की। श्री गुरु ग्रंथ साहब उपर जिहड़ा चंदोआ ताणिया जांदा उहदे संबंध में जो स्पष्टीकरण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिता, उन्होंने कहा कि तुसीं सानूं इस गल ते चैलेंज करो, तुसीं प्रूव करो, जे तुसीं प्रूव नहीं करदे तां मतलब तुसीं लोकां नूं गुमराह करदे हो और श्रोमणी कमेटी के वकार नूं ढा लाउंदे हो और असीं इस मुद्दे दे उत्ते तुहानूं बख्शांगे नहीं। हुण वेखणा यह है कि पुलिस या कानून किहो जी कारवाई करदा। धर्म बड़ा संवेदनशील मामला हुंदा, पहला भी सिख धर्म के संबंध में बहुत सारे लोगों ने इस तरह टिप्पणियां कीतियां ने जिहदा खमियाजा उन्होंने भुगतना पिया। सो धर्म नूं लैके जे कोई व्यक्ति किसी गल नूं उछालदा है या उहदे संबंध में कोई आलोचना करता तां उहदे कोले ज़ाहरा तौर पर कोई ना कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिस नूं तर्कपूर्ण मन्निया जाए, एवें हवा च गल्लां करनियां या अपने आप नूं लोकप्रिय करन वास्ते या अपने मतलब दुनिया दे विच अपनी प्रसिद्धि वधाउण वास्ते जदों कोई पत्रकार वहम का शिकार होकर इस तरह दल्ल करता है तो उन्होंने फिर बख्शिया नहीं जाना चाहिए। तो श्रोमणी कमेटी वालों जो एक्शन प्लान तैयार की गई है वो मुताबिक यह है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिता कि असं ये चैनल में चलन नहीं देना, चलन नहीं देवे और दूसरी गल जिनी देर तक ये माफ़ी नहीं मांगते या कानून इन्हों सज़ा नहीं दी जाती उन्नी देर तक असी खामोश बैठने वाले नहीं हाँ। चलो ये तो एक पक्ष है, गल यह है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होर भी बड़ा कुछ होंगे जिद संबंध में श्रोमणी कमेटी के मैंबर ने बहुत बारी कहा कि इतने भ्रिष्टाचार है और इतने रिश्वतखोरी भी है, सारा कुछ होंगे लेकिन उन्होंने कोई सबूत ने, इस करके श्रोमणी कमेटी का प्रधान इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तुम इस बारे की कहना चाहोगे? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जो लिंक्स हेटा डिस्प्ले हो रहे हैं उन्होंने साढ़े साझ पाओ और राजमहल TV के YouTube चैनल में जरूर सबसक्राइब करो। धन्यवाद।